और लोकसभा चुनाव में अपने हिट फॉर्मूले यानी कि संविधान बचाओ मुहिम को लेकर राहुल गांधी एग्रेसिव होते जा रहे हैं। शनिवार को संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने पर प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान को कमजोर कर रही है, आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश और खासकर यूपी की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे ये क्लियर हो गया है कि आम लोगों के मन में भी मोदी सरकार के कामकाज को लेकर असंतोष है। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया जिसमें कांग्रेस की भी सहयोगी भूमिका थी। इस सम्मेलन का एक टॉपिक संविधान और मोहब्बत की दुकान भी था। राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना की बात की और कहा कि जब तक आबादी को उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से हक नहीं मिलेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए 8% आदिवासी को। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है, 73% दलित आदिवासी ओबीसी, कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0, अब हुई नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई जो रियलिटी है उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो क्या मतलब। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसमें ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड है। और हमारा लक्ष्य है जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें।